हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, जैसे हिंदी का प्रथम कवि है और सर्वमान किसको कहा जाता है, हिंदी की प्रथम रचना जो है, फिर आदिकाल का नामकरण विद्वानों का अनुसार। देखिए ठीक है, मैंने इतने सारे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मैंने लिखा है यहाँ पे, और मैं आपको इसको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो और इसके साथ मैं ये भी बताने वाली हूँ कि जैसे आप लोग को इस टाइप की चीज़ें, जैसे सबका अलग अलग है, कहीं से मतलब जैसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, कोई कहानी नहीं बन पाएगा या एक दूसरे से लिंक नहीं कर पाएंगे, सबकी जैसे अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, देख रहे हैं ना, वन लाइनर टाइप का है। और जैसे ये मान लीजिए आपको याद करना है, जैसे किसको किसने कहा, अलग अलग आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है, याद करते फिर भूल जाता है, ठीक है। तो इसको जो है आप कैसे याद करेंगे, कैसे इन चीज़ों को दिमाग में बैठाएंगे, तो ये भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। मेन वही है कि ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ ही चुके होंगे, ये तो शुरुआत की चीज़ें हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो लेकिन इसको आपके दिमाग में ये बार बार अगर इस टाइप की चीज़ें भूल रही हैं तो आप उसको कैसे अपने दिमाग में बैठाएंगे, ये भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो पहले इसको लेकिन एक बार देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम कवि। तो प्रथम यहाँ पर देखिए पुष्प और पुंड, जैसे पुष्प कहिए या कहीं कहीं पुंड भी मिलता है। तो सातवीं शताब्दी ये किसने माना था, प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना था, ठीक है। फिर पुष्प और पुंड को इसी सातवीं शताब्दी में ग्रियर्सन में भी ग्रियर्सन ने भी माना था, और पुष्प और पुंड को फिर सातवीं शताब्दी में मिर्स बंधुओं ने माना था। यानी कि ये जो तीन हैं आपके, इन्होंने क्या किया था, पुष्प और पुंड को सातवीं शताब्दी में माना था। कौन कौन, शिव सिंह सेंगर ने, ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधु ने, ठीक है। अब देखिए सराहापा को किसने आठवीं शताब्दी के लगभग, तो राव सांकितायन ने माना था। और स्वयंभू को आठवीं शताब्दी के लगभग कौन माना था, रामकुमार वर्मा ने। शालबद्ध सूरी को 1184 ईस्वी में गणपत चंद्र गुप्त ने। और अब्दुल रहमान को मतलब 12वीं शताब्दी वैसे देता है, लेकिन 12वीं 13वीं के मध्य का शताब्दी माना जाता है, तो ये हजारे प्रसाद द्विवेदी ने इनको माना था, ठीक है। तो ये तो हिंदी के प्रथम कवि हो गए, इतने सारे हो गए, सभी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन सर्वमान्य कौन सा है, हम भी जानते हैं सराहापा हैं, ठीक है। अब लेकिन सराहापा तो हैं, लेकिन ये तो हमारे हिंदी का प्रथम कवि माना जाएंगे, ठीक है। लेकिन हिंदी की अगर प्रथम रचना आपसे पूछेगा तो आप देवसेन कृत जो है वो श्रावकाचार्य को आप बताएंगे, ठीक है, 933 ईस्वी के लगभग, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए आपने एक बार पढ़ा, इसको खूब मन से आपने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे है आदिकाल का नामकरण विद्वानों के अनुसार। अब आदिकाल आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा विवाद जो है ना आदिकाल पे था, और किस पे था, रीतिकाल पे था, है ना। जैसे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में जो बांटा गया, तो उसमें सबसे ज्यादा विवाद कहा जाए तो आदिकाल पे था और रीतिकाल पे था, क्योंकि मतलब सब विद्वानों के अलग अलग मत थे, कोई कुछ नाम से कहता था, कोई कुछ नाम से कहता था। तो वही है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मतलब नाम है, आपको इनको जरूर याद होना चाहिए। तो देखिये चारण काल किसने कहा था, ग्रियर्सन ने कहा था। प्रारंभिक काल मिश्रबंधु ने था। वीर गाथा काल किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल किसने कहा था, हजारे प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। फिर संध एवं चारण काल किसने कहा था, रामकुमार वर्मा। अब देखिए जैसे इस टाइप के है ना, ये चारण काल फिर संध एवं चारण काल, इसमें आपको देखने की जरूरत है, ठीक है ना। इस टाइप के जो मिलते जुलते रहे उनको आप थोड़ा सा कोई मार्क कर लीजिए, निशान लगा लीजिए। उसके बाद सिद्ध सामंत काल राहुल सांकितायन ने कहा था। वीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास ने कहा था। अब देखिए वीर गाथा मतलब आपको ये वीर गाथा काल है, ठीक है ना, यहाँ भी देख लीजिए, और ये वीर गाथा युग है, ठीक है ना, बस काल और युग का अंतर है। तो वीर गाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आप भी जानते हैं, लेकिन वीर गाथा युग किसने कहा था, आपका ये श्याम सुंदर दास ने कहा था, ठीक है। इस पे आपको, इस तरह की चीजों पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और इसी टाइप की चीजें जो है ना एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछता भी है। अब देखिए यहाँ पे वीर काल आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये सब वीर वीर से ही है, तो वीर काल तो ये किसने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। अब अपभ्रंश काल किसने कहा था, धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था, ठीक है। अंधकाल किसने कहा था, कपिल कुलश्रेष्ठ ने कहा था। आधार काल किसने कहा था, मोहनी अवस्थी ने कहा था। संक्रमण या प्रवर्तन काल किसने कहा था, राम खिलावन पांडे ने कहा था। प्रारंभिक एवं उन्मेष काल किसने कहा था, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। शैशवावस्था किसने कहा था, तो डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपके इंपॉर्टेंट नाम है। अब इनको याद करने के लिए जैसे मान लीजिए कुछ कुछ चीजों को तो मैं वैसे ही ट्रिक बना लेती थी, जैसे मान लीजिए संक्रमण या प्रवर्तन काल है ना, तो राम खिलावन पांडे। अब यहाँ पे खिलावन आ रहा है, तो मैं सोचती थी जब ज्यादा कोई खेल खेलेगा ना तो संक्रमण हो जाते हैं, बाहर जाके जो ज्यादा खेलेंगे बच्चे खेलते हैं तो क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए आपको तब भी कोई उसके अलावा मान लीजिए आपका नहीं बैठ रहा है ना, कोई आपको मतलब नहीं आप बना पा रहे हैं, उसका कोई ट्रिक नहीं बना पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आज जैसे मान लीजिए आपने इस तरह की रचनाओं को, जैसे आपने आपके पास कोई भी इस तरह के आपका मटेरियल है कोई भी चीज, तो आप जो है उसको एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, आप कम से कम जो है ना इन चीज़ों को आप 10 बार दोहरा लीजिए,
दस बार गिन के, दस बार अभी अभी मान लीजिए आपने अगर पढ़ना शुरू किया है तो दस बार अभी दोहरा लीजिए, ठीक है। अब जब आप सोएंगे ना रात में, तो एक बार सोने से पहले एक बार जो है जरूर आंख बंद करके सोचिए, तो आपको जरूर वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमेंगी, ठीक है। उसके बाद जब आप कल सुबह उठेंगे, आपको अगर ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है या फिर नहीं भी जाना है, लेकिन आप ऐसा अपना टाइम टेबल सेट करिए कि जैसे एक ही पेज है, ये देखिए एक ही पेज है ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको हमेशा जैसे बीच में रह रहा है कि जरूरी नहीं है कि जब आप शुरू से नोट्स अपना शुरू करेंगे या आदिकाल शुरू करेंगे तब आप दोहराएंगे इसको, जब भी आपको ऐसा मौका मिलेगा, मतलब बीच बीच में कभी भी रह रहा है कि एक एक पेज इस तरह से, मतलब जो चीज़ें हैं, तो आप बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहिए। अब सुबह आपको जाने से पहले कुछ भी करके आप बस एक पेज तो है, आपको 10 मिनट लगेगा मात्र, उसको फिर आप 10 बार दोहरा लीजिए, बस पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है ना, पढ़ लीजिए उसको एक एक बार, ठीक है। आपने आज शाम को दोहरा लिया, सुबह दोहरा लिया, फिर आप वहाँ से आए शाम को, अब फिर अब कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले एक बार और इसको दोहरा लीजिए, इस तरह से करके 3-4 बार आप 10-10 बार करके दोहरा के देखिए, अपने आप ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। कहने का मतलब है ना कि जिसका कोई ट्रिक नहीं बनता है, कोई कहानी नहीं बन रही है, कुछ नहीं बन रहा है, तो उसको जो है ना आप बिना सोचे समझे उसको जो है ना बस आप रिवीजन करते जाइए, उसको आप रिवाइज करते जाइए, बार बार रिवाइज करते जाइए। जैसे छोटे बच्चे क्या है, पहाड़ा वाड़ा गिनती याद करते, तो आप देखते हैं वो कोई सोचते थोड़ी ना है, बस उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, अभ्यास कराया जाता है। तो अपने आप आज भी हम लोग का वही अभ्यास है कि हम लोग तुरंत तुरंत बोलते जाते हैं, तो वही चीज़ है कि इन सारी चीज़ों को आप कोई भी इस तरह की चीज़ें, ये तो मैं एक उदाहरण आपको मैं बताई हूँ, जैसे इस तरह की चीज़ें जो भी आपके पास हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रही है बार बार, है ना, नहीं कुछ हो रहा है, तो बस आप बस 10 बार एक बार, दोबारा 10 बार, दोबारा 10 बार, ठीक है। अगर आपको 5 बार में याद होता है तो ठीक है, 10 बार नहीं, 10 बार आपको 10 बार भी कम लगता है तो अपने हिसाब से 15 बार करिए, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे ही करती थी, तो उसके बाद 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, फिर 1-2 दिन का गैप कर दीजिए, दूसरी चीज़ें पढ़ने लगिए, फिर उसके बाद आपको बीच बीच में इस टाइप की चीज़ों को आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है। तो आपको कैसे नहीं याद होगा, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि कैसे नहीं याद होगा। मेरे पास एक कमेंट आया था कि एक मेरी बहन ने कहा था कि दीदी इतनी मोटी मोटी किताबें मैं कैसे पढ़ूँ, तो मोटी मोटी किताबें एक बार थोड़ी ना पढ़ी जाती है एक बार में, उसको इसी तरह से टॉपिक वाइज आप देखिए। मान लीजिए ये अभी तो ये एक पेज है, मैंने शुरू से बताया कि टॉपिक वाइज तैयार करते जाइए, वो मोटी किताब आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि लगेगा कि अरे यार सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको एक टाइम आएगा कि ऐसा ही लगेगा, ठीक है। तो बस ये आपके अभ्यास पर डिपेंड करता है, आप करके तो देखिए, बिल्कुल करने से पहले आप लोग घबराने लगते हैं, घबराइए मत कि कैसे होगा क्या होगा, आप करके तो देखिए। लेकिन हाँ, ये गिन गिन के है ना, 10 बार 15 बार 20 बार 5 बार जैसे भी हो, आपको जब भी याद होता है, आपको अभ्यास करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। जो चीज़ें का कोई ट्रिक नहीं बनता है, कोई लिंक नहीं बनता है, बस उस आँख में ऐसे ही, मतलब जैसे बच्चे पढ़ते ना जोर जोर से पढ़ते जाइए, वो देखिए ना खुद आपकी जबान पे सारी चीज़ें, जब आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तब भी वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में वो हमेशा घूमती रहेंगी, तो अपने आप वो रिवाइज होते रहेगा। तो चलिए, मेरे दिमाग में था ये, मैंने सोचा कि आपके साथ ये टिप्स मैं शेयर करूँ, क्योंकि इन चीज़ों को ना बीच बीच में आप ऐसे ही रिवाइज करते जाइए, ठीक है। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को आप बीच बीच में ब्रेक लेके रिवाइज करते जाइए, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर और भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।